राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन की बर्बरता की घटना। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने हद की पार। आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतपाल सिंह को लाठी डंडों से मारा, जिससे उनकी पगड़ी और बाल खुल गए। आम आदमी पार्टी दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर धरना प्रदर्शन के दौरान हुई यह घटना। पार्टी का मैं प्रदेश का सचिव, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज आम आदमी पार्टी जो प्रयागराज में चार निर्मम हत्याएं दलित परिवार की गई, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उत्तर प्रदेश में पूरी जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में हम लोग परिवर्तन चौक पर शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये सिख का ताज होता है। ये योगी पुलिस ने घसीट घसीट कर लातों से मार मार कर पगड़ी को रौंदा। ये हमारे चिन्ह है, इन चिन्हों को भी उन्होंने रौंदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नशे में मत है। ये रावण सरकार है, राम के नाम पर रावण सरकार है, जो धर्म का भी कदर करना नहीं जानती। शांति पूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो योगी की पुलिस ने लात मार मार कर सिख की पगड़ी को नीचे फेंका, बाल खोल दिए गए। 2022 में उत्तर प्रदेश की धरती पर इसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा योगी सरकार को। मैम, आज यहाँ इको गार्डन में महिला पुरुष आप लोग आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार करके लाए गए हैं, क्या प्रकरण क्या था? मैं नीलम यादव, उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष। आज का जो प्रकरण है, ये पूरे उत्तर प्रदेश जिस तरह से वंचितों, शोषितों, गरीबों और दलितों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अभी आप देखिए प्रयागराज में फाफा मऊ में एक परिवार के सारे परिवार की हत्या कर दी गई है, जिसमें दंपति परिवार था, उनका एक बेटा मूक बधिर लड़का था उनका, और एक नाबालिग बच्ची थी जिसका साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। तो इस तरह की मतलब निर्मम हत्याएं और इस तरह का जघन्य अपराध योगी सरकार में हो रहा है, तो इसको हम क्या समझे? उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कहते हैं अमित शाह जी की 16 साल की जो लड़की है वो गहने लाद करके 12 में रात को घूम सकती है, ये है आपकी सुरक्षा? ऐसी सुरक्षा दे रहे हैं? जहाँ पे महेश गुप्ता जी का हत्या हो जाता है, अरुण वाल्मीकि जी की पुलिस प्रशासन के कस्टडी में हत्या हो जाती है, इंद्रकांत मणि त्रिपाठी जी की हत्या हो जाती है, और अभी अल्ताफ जी की कासगंज में पुलिस प्रशासन के कस्टडी में हत्या हो जाती है। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, जो वंचित लोग, शोषित, ये क्या ऐसी जो सरकार है, योगी सरकार जो है वो जाति विद्वेश की भावना रखती है? इस तरह की सरकार चलेगी? एक कार्यकर्ता एक सिख है और उनकी पगड़ी उछाली गई, अभी हमने देखा कि किस तरीके से पूरे बाल उनके खोल दिए गए, तो कहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और क्यों ऐसी नौबत आई? देखिए, हम लोग शांति पूर्वक वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है, और यही दलित विरोधी जो सरकार, इनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, मैंने कहा आपको कि जातीय विद्वेश की भावना रखती है, उसको सिख नहीं दिखाई दे रहा है, उसको ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहा है, उसको दलित नहीं दिखाई दे रहा, उसको महिला नहीं दिखाई दे रहा, उसको किसी भी जात से कोई मतलब नहीं है, एक विशेष जाति की सरकार चला रही है सरकार। तो आज जिस तरह से मनोज मिश्रा जी ने हमारे सिख भाई प्रतपाल सरगुजा जी का उन्होंने पगड़ी छीनी है, जो आपके सामने खड़े हैं, ये इसका भरपाई उनको आने वाले समय में जरूर पूरा करना पड़ेगा। चैनल देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।